हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। दोस्तों, ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो 10th क्लास में ये जो सेकंड चैप्टर है, 10th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि 9th क्लास के एनसीईआरटी के हमने काफ़ी बड़े लेंथी वीडियो हो गए थे, काफ़ी बड़े बड़े उसके वीडियो बने हुए हैं, काफ़ी लेंथी थे वो। लेकिन दोस्तों, इस बार हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की है, वो कल के वीडियो में आपको दिखाई भी दिया होगा। अब हम जो एनसीईआरटी है, वो चाहे आपका इकोनॉमी की हो, किसी भी और सब्जेक्ट की, सब चीज़ों को हम टॉपिक वाइज करेंगे, तो फ़ायदा आपके लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है। हम लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि टॉपिक वाइज होगा तो चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएंगे और एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कर लेंगे। आपके लिए अच्छा है ये कि आप लेंथी वीडियो से बच जाएंगे और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, छोटे छोटे वीडियो होंगे, तो उससे क्या होगा, आपके लिए बेहतर स्थिति हो जाएगी, आप उन्हें अच्छे से समझ पाओगे और जैसा आपको समय मिलेगा तो कम समय में आप बेहतर समझ सकते हो। तो ये हमने जो है सोचा है संस्थान ने, और उसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे, और मैं आपसे एक और बात बता दूं कि जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करते हैं तो ये केवल आपके किस मतलब हर एग्जाम की, ये समझ लो आप जनरल स्टडी की है। वो कहते हैं ना, की होती है जैसे चावल मसाले की होती है, ऐसी जो है जनरल स्टडी की ये की है। अगर आप इन्हें अच्छे से करोगे एनसीईआरटी को, तो आपका जीएस का जो फाउंडेशन है वो तो आपका बेहतर तरीके से मतलब होगा, और वो किसी एग्जाम में आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको घोल कर पीना नहीं पड़ेगा किसी भी कंटेंट को, वो आपके समझ में आ जाएगा। और न्यूज में जो भी चल रहा होता है, वो फिर सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, उसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने की। दोस्तों, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या जो एसएससी सीजीएल या इन सारी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस सीरीज को कवर करना है और चीज़ों को समझना है। अगर आपको इकोनॉमी का जैसा सीरीज चल रहा है, अगर आपको इकोनॉमी के सीरीज में अच्छे से समझ में आता है, इकोनॉमी आप अच्छे से समझ लेते हो, तो ये आपका बेस बन जाएगा। आप जब कभी जीवन में किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, या आप जनरल लाइफ में भी, व्यावहारिक लाइफ में भी, आप ये सारी चीज़ें फायदा देंगी, आपको नॉलेज आपको होगी, तो आप अपने जिंदगी के जो भी निर्णय हैं उन्हें बेहतर तरीके से ले सकते हो, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित है, या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, या हिस्ट्री से, या ज्योग्राफी से। ठीक है दोस्तों, आज फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो इस सेकंड चैप्टर में चार टॉपिक को पढ़ेंगे, चार टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें चार टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चार टॉपिक में पहला टॉपिक आपका, जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चार टॉपिकों को। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। इन्हें पहले टॉपिक को हम ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक दोस्तों हम पढ़ेंगे जीडीपी और जीबीए, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा है।
और एक हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, और एक आपके पास एवं निजी क्षेत्र। इन चार टॉपिकों को जो है हम पढ़ने वाले हैं, निजी क्षेत्र चार टॉपिकों को, और इन चार टॉपिकों में से हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो हम सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी के जो अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं उसमें जो प्राइमरी है या सेकेंडरी है टर्सरी, तीनों क्या होते हैं, यानी प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब आपका द्वितीयक और टर्सरी का मतलब तृतीयक क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं और वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं हमें, हम इन्हें किस किस क्षेत्र में रख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जीडीपी और जीवीए, और फिर हम पढ़ेंगे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और फिर हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर हैं, जो इकोनॉमी चल रही है वो इन्हीं क्षेत्रों से मिलकर चल रही है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फोटो दिए हुए हैं आपको, ये प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों का दिया हुआ है। पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप अपने आराम से कैटेगराइज इसे कर लोगे। जैसे अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक संसाधनों का, जो आपके पास प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, कोयले की खान है, या आपके पास और कोई चीज है जो नेचर से हमें मिली हुई है। तो प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके हम जो प्रोडक्ट पाते हैं, हम जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। जैसे भूमि से आप गेहूं पैदा करते हो, तो ये जो गेहूं आपको मिला ये प्राथमिक क्षेत्र की का क्रियाकलाप हुआ, यानी खेती करना। और कोयले की खान से आप क्या करते हो दोस्तों, कोयला का खनन करते हो, तो जो खनन क्षेत्र है, जब कोयले का खनन होता है या और कोई जो आयस होता है उसका खनन होता है दोस्तों, ये भी किससे, हमें नेचर से मिला हुआ होता है। तो ये भी गतिविधि, खनन की भी गतिविधि किसके अंदर आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के। एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई भी पशुपालन है या इस टाइप की जो भी, जिससे भी हमें मतलब कोई भी गतिविधि जिससे हमें नेचर प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हुए प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें बड़े अच्छे से दे रखा है, आप समझ सकते हो ये सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की हैं। जैसे आपका कृषि है, पशुपालन है, खनन है आपका, वन है आपके, ठीक है, और ये भी, और भी ये सारी चीजें जो भी सब्जी उब्जी योग जो भी है, तो ये पुष्प हैं, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां किसकी होती है, प्राथमिक क्षेत्र की। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे प्राथमिक क्षेत्र को, कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, कि जो प्राथमिक प्राकृतिक उत्पाद होते हैं जैसे गेहूं है, वो विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये जो प्राथमिक क्षेत्र से अगला कदम होता है। इसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं का उत्पादन हुआ, यानी गेहूं जो वस्तु हुई दोस्तों तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु है। लेकिन गेहूं का हम यूज करके अगर बिस्किट का निर्माण कर लें, तो बिस्किट कौन सा होगा, द्वितीयक क्षेत्र का हो जाएगा। क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, कि प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पाद हैं उनका रूप परिवर्तित कर उन्हें थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके जो नया उत्पाद बनता है वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद। जैसे गेहूं से बिस्किट का निर्माण, गेहूं तो हुआ प्राथमिक क्षेत्र का, तो वहीं बिस्कुट किसका हुआ आपका, द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है। अब आपका जो प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हुआ और द्वितीयक क्षेत्र भी आपका क्लियर हुआ। जैसे वन जो है, वन आपका है प्राथमिक क्षेत्र का, और वन से अगर हम बैट बना लेते हैं, ठीक है नहीं, जो बैट है लकड़ी का यूज करके हम बैट बना लेते हैं, तो वो किसका हो जाता है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र का। या आपके पास जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कुछ भी, जैसे कपास है,
कपास का इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। कपास के पौधे से आपको रुई मिलती है और उससे सूत मिलता है जो धागा होता है, और तो धागे से हम किसका निर्माण करते हैं, वस्त्र का, कपड़े का। तो जो धागा है वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद हुआ, और जो कपड़ा है वो द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद हुआ आपका। तो ये हमने आप बड़े अच्छे से आपको द्वितीय क्षेत्र बताया, प्राथमिक पहले बता चुके हैं। अब दोस्तों द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां देखो ये हैं, इन्हें आप बड़े अच्छे समझ सकते हो। कपड़े का निर्माण है, या और भी कुछ है, ये कार बन रही है आपके पास, या इंडस्ट्री से जो भी संबंधित होता है द्वितीय क्षेत्र में आता है। चेयर का निर्माण है, बेड का निर्माण है, ये सारी चीजें जो है द्वितीय क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। अब हम करते हैं तृतीय क्षेत्र। अब जो भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, या घर या भवन का निर्माण होता है, या दोस्तों जैसे ईंट का भट्टा होता है, तो जो भूमि है, भूमि से क्या बनती है, ईंट कच्ची, उसे पकाया जाता है भट्टे में, ठीक है, नहीं तो नई ईंट का निर्माण होता है। तो जो भूमि से ईंट बन रही कच्ची, तो वो तो आपके पास है प्राथमिक क्षेत्र का, भूमि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद। लेकिन उसे पक्का कर भट्टे से जो नई ईंट बनती है वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है। बड़े आराम से चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र के जो भी मतलब औद्योगिक क्षेत्र होता है उसे जो है जनरली हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें इन सारी चीजों में आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे बुक को, मतलब जो भी मैंने आपको बताया ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी। तो हम इस टाइप से टॉपिक वाइज करेंगे, उससे क्या होगा आपका भी समय बचेगा पढ़ने में और आपके समझ में भी अच्छा आएगा। अब दोस्तों आता है तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र क्या होता है, जो भी गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से अलग होती है तो वो किस में रखी जाती है, तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से अतिरिक्त जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन्हें तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसे तृतीय क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे आपने गुड़ का निर्माण किया, अब गुड़ का निर्माण करने के पश्चात गुड़ को मंडी तक ले जाने के लिए वाहन भी चाहिए, अब वाहन चाहिए और लोग भी चाहिए वहां पे उसे मार्केट में बेचने के लिए, और जो भी आप जिस भी वाहन से गुड़ को ले जा रहे हो उसे उसमें भरने के लिए लोग चाहिए। तो दोस्तों जो वाहन है, वाहन की जो सेवा, जो सर्विस दे रहा है वाहन, वाहन को जो चला रहा है या जिसका वाहन है, और जो लोग उसमें लोड कर रहे हैं माल को, और जो मार्केट में जाकर उतार रहे हैं, ये सारी गतिविधियां क्या है, ये सेवा क्षेत्र में आती हैं। जैसे दोस्तों शिक्षा है, तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र में है, क्योंकि टीचर क्या काम कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है, एजुकेट कर रहा है। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, जैसे डॉक्टर है, आपने देखा होगा कोरोना काल में डॉक्टरों ने कितनी बड़ी सेवा करी है लोगों की, तो ये सेवा का क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है आपका। और भी जो रेहड़ी पे जो आम बेचते हैं, या और भी कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकानदार है, तो ये दुकानदार जो है सेवा कर रहे हैं आपके पास, तो ये आपका टर्शरी यानी तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल हो गए। यही बातें इसमें दोस्तों लिखी हुई हैं कि ट्रक और ट्रेनों के परिवहन की जरूरत पड़ती है, वस्तुओं को गोदाम में भंडारण करने की जरूरत पड़ती है। सपोज करो आपने आलू बोए इस बार खेत में, अब आपके गांव के आसपास ही एक कोल्ड स्टोर है जहां आलू को संरक्षित किया जाता है। अब कोल्ड स्टोर में लोग काम करेंगे, तो कोल्ड स्टोर में आपके पास लोग जो वर्क कर रहे हैं तो वो किसका काम हो जाए, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो आप बड़े अच्छे से समझे होंगे सेवा क्षेत्र की गतिविधि को, जैसे गोदाम में भंडारित करने के लिए वस्तुओं को लोगों की आवश्यकता पड़ती है, या आपने देखा होगा कॉल सेंटर होते हैं, कॉल सेंटर में वो लोग जो कस्टमर होते हैं, जैसे जियो है, जियो कंपनी है, उसके कस्टमर कॉल सेंटर में बात करता है अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो ये कॉल सेंटर में कौन बात करते हैं, लोग ही तो बात करते हैं, या सबको मैनेज करते हैं, ठीक है नहीं, सारी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये किसका उदाहरण है, जो टर्शियरी सेक्टर है उसका उदाहरण है, ठीक है। और इसलिए दोस्तों जैसे जो भी बैंक की सेवाएं हैं, या परिवहन है, भंडारण है, या आपके पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है, या जो इंजीनियरिंग कंपनियां हैं जहाँ इंजीनियर वर्क करते हैं किसी प्रकार का, वो सारी चीजें, ये सारी चीज आपकी सेवा क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो तीनों क्षेत्र को हमने अलग अलग से डिफाइन किया और आपके अच्छे से समझ में भी आया।
होगा। अब बात आती है कि इन तीनों क्षेत्रों की तुलना कैसे की जाए, तो तुलना करने के लिए दोस्तों सबसे बेहतर तरीका होता है जीडीपी। इन क्षेत्रों की तुलना करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है दोस्तों? जीडीपी। और एक बात और इसमें आई थी कि तीनों क्षेत्रों की तुलना हम कैसे करें, तो जीडीपी के माध्यम से तीनों क्षेत्रों की हम तुलना कर सकते हैं। जीडीपी में जिस क्षेत्र का जितना अनुपात होता है उसके हिसाब से हम ये पता कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या कौन से क्षेत्र की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। और जीडीपी से ही बेहतर जो चीज है कंपेयर करने के लिए तीनों क्षेत्रों में वो है आपकी जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसे भी पढ़ेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दोस्तों जीबीए क्या होता है? जीबीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो जीबीए होता है। और जीडीपी पूरे देश की इकोनॉमी को शो करती है, और जीबीए जो है इकोनॉमी के किस सेक्टर का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उस चीज को शो करता है। तो ये इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर माप जीबीए होता है। चलो वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन अब हम आपको बताते हैं तीनों क्षेत्रों की तुलना कैसे की होती है कि जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कि मान लो सेवा क्षेत्र, जैसे सेवा क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र, वो उसका सबसे ज्यादा है लगभग 56%। जो आपका सेकेंड है, सेकेंड यानी कि द्वितीय क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसका, इसका है 31। और दोस्तों कृषि का लगभग बन जाता है आपका लगभग 16% यहाँ से कृषि का बन जाता है जो प्राइमरी है, प्राथमिक, तो 16% लगभग उसका बन जाता है। तो इस टाइप से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। बात आती है कि इंडिया में की बात, ठीक है, ये सारी बातें वही हैं। अब बताइए इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल किसी इकोनॉमी का जो सिस्टम होता है वो ये होना चाहिए, जो डेवलप कंट्री है उनका जो इकोनॉमी का जो आपके पास कंट्री मतलब कैटेगराइजेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि प्राथमिक, दोस्तों प्राथमिक से हम बढ़ेंगे द्वितीयक, और द्वितीयक से हम बढ़ेंगे आपके पास तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र। कोई भी इकोनॉमी होती है उसके लिए सबसे बेहतर चीज जो होती है दोस्तों कि आप जानते हो, जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में दोस्तों सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास ना तो पैसा था और ना ही उसके पास खाने के लिए पूर्ण रूप से अनाज था। हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे लोगों पर अनाज के लिए, और उसके लिए और भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी दोस्तों उस समय भारत में शिक्षा नहीं थी, बहुत कम लोग। 1931 में जो है मात्र दोस्तों 1931 में मात्र लगभग 90% लोग पढ़े लिखे थे, वो सॉरी पढ़े निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। तो भारत में अशिक्षा थी, तो कृषि पे ज्यादा दबाव था, ज्यादातर लोग कृषि में लगे हुए थे। तो होना तो ये चाहिए था दोस्तों कृषि से क्या होता, द्वितीय क्षेत्र जो है वो डेवलप होता, वो जब द्वितीय क्षेत्र डेवलप हो जाता उसके बाद जो है जनसंख्या कहाँ मूव करती, तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में जब इकोनॉमी बढ़ती, एग्रीकल्चर में किसानों की जो आय बढ़ती तो किसान क्या काम करते, छोटी मोटी उद्योग लगाते, या जो बिजनेसमैन होते वो थोड़ा इन्वेस्ट करते, कंपनियां लगाते, लोगों को रोजगार मिलता। तो कृषि क्षेत्र में से लोग कहाँ मूव करते, पहले सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से कहाँ मूव करते, फिर टर्शियरी में। लेकिन दोस्तों भारत में उल्टा हुआ, भारत में ज्यादातर जनसंख्या आज भी लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो इसलिए कृषि पर आज भी दबाव है। दोस्तों हमारे यहाँ क्या हुआ, सरकारों ने उस समय
पैसे थे नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये द्वितीय क्षेत्र जो है और ना ही जो बिजनेसमैन थे उनके पास पैसे थे और ना ही लोगों के पास पैसे थे कोई भी छोटा उद्योग के लिए, तो ये द्वितीय क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत ही कम डेवलप हो पाया, कम डेवलप। और जब ये कम डेवलप हुआ दोस्तों, तो यहाँ से जो जनसंख्या थी, इसने सरकार ने कोशिश करी ज्यादा लोगों को शिक्षित करने की, क्योंकि उसमें उस समय निरक्षरता हाई लेवल पर थी, तो जो लोग शिक्षित हो पाए तो दोस्तों उनके पास पैसे नहीं थे उद्योग लगाने के लिए, ठीक है, ना सरकार के पास थे इंडस्ट्री लगाने के लिए जाते। सरकार ने जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी, जो हमारी आधारभूत नीड होती है, जैसे रेलवे है, पुल है, और आपके पास लोहे का प्लांट है या और भी जो है, वहां इन्वेस्ट किया सरकार ने। पंचवर्ष से योजनाएं लाई डेवलप करने के लिए योजना आयोग के द्वारा। तो हम लोग शिक्षित होने के बाद हमारे पास पैसे नहीं थे, हम सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधि को करते और कृषि में इतनी आय भी नहीं हुई लोगों को। तो दोस्तों हम शिक्षित होने के बाद कहां पहुंचे, सीधा सेवा क्षेत्र में, कहां मूव कर गए, सेवा क्षेत्र में। तो ये जो द्वितीय क्षेत्र है ये डेवलप नहीं हो पाया भारत में, इसलिए आज दोस्तों भारत में बेरोजगारी काफी है। अगर आपको भारत में इकोनॉमी को अच्छे से समझना है तो दोस्तों आपको समझना होगा हमारा जो इकोनॉमी का बेसिक है उसे समझना होगा। आज बेरोजगारी का जो आलम है वो कहीं ना कहीं पीछे से लिंक हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग सेवा क्षेत्र में पहुंचे तो सरकार ने लोगों को साक्षर करने के लिए तमाम यूनिवर्सिटियों को क्या मान्यता बांट दी। तो इन यूनिवर्सिटियों ने क्या काम किया दोस्तों, इन्होंने स्किल्ड एजुकेशन ना देकर केवल डिग्री बांटने का काम किया। और इधर से ज्यादा जो लोग एक्स्ट्रा थे कृषि क्षेत्र में, जिनके पास आय ज्यादा होगी उन्होंने तो द्वितीय क्षेत्र में एंटर किया, या जहां जिनके पास पैसे की व्यवस्था थी। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने, किसान का बेटा है मान लो अगर पढ़ा, वो अच्छे से पढ़ लिया, एजुकेशन तो मिल गई उसे, लेकिन पैसे नहीं है कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो वो किधर गया, नौकरी की ओर, सेवा क्षेत्र में। और दोस्तों जब जल्दी जल्दी डिग्री बटी इन कॉलेजों ने, उतनी डिग्री बांटी, स्किल दिया नहीं लोगों को, तो दोस्तों शिक्षित बेरोजगारों की एक भीड़ खड़ी हो गई, जो आज शिक्षित बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। आज शिक्षित बेरोजगारी है कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार, उनके पास ना तो पैसे हैं कुछ काम करने के लिए और ना ही जॉब है, ना ही वो स्किल्ड है, जॉब स्पेशल नहीं मिल पा रही क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। और दोस्तों समस्या इस चीज की है कि कंपनियां ये कह रही हैं कि उनके पास स्किल्ड लोग नहीं है, और इधर जो है इतने सारे लोग जो है बेरोजगार है शिक्षित, क्यों, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, तो मार्केट के हिसाब से वो एजुकेशन ले ही नहीं पाए। या जो आपका बीटेक किए हुए है या पॉलिटेक्निक किए हुए है, उन लोगों के पास इतना स्किल नहीं है, वो इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की कि कंपनियों की जो डिमांड है उसे पूरा कर सकें। और कोरोना काल के बाद तो दोस्तों ये बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं, लोग सेकेंडरी सेक्टर में इतना डेवलप नहीं हो पाया कि लोग प्राइमरी से कहाँ जाएं सेकेंडरी में। तो उससे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में दबाव बढ़ा कोरोना काल में, क्योंकि मजदूर लोग जो घर गए वो कृषि क्षेत्र में लगे, और दोस्तों रोजगार भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है। तो मैंने आपको ये बड़ी सिंपल भाषा में समझाया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनका हमारे जीवन में कितना रोल है और कौन कौन से सेक्टर ये आपके पास हैं इकोनॉमी के। अगर आपको इकोनॉमी समझनी है तो इन्हें अच्छे से समझना होगा, और मैंने समझाया आपको बड़े अच्छे से समझाया, और आई होप कि आपकी भी समझ में आया होगा। और मैंने ये भी आपको समझाने की कोशिश की कि हमारे देश में इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई और हमारे देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो जो आधारभूत चीजें हैं अर्थव्यवस्था की, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की और ये आपके भी समझ में आया होगा। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से प्रयास करना है, और अपने लिए जो है इस आपदा को एक अपॉर्चुनिटी बनाना है और पूरे प्रयास के साथ अपने लक्ष्य को कंप्लीट करना है। तो ये जो सेकंड चैप्टर था उसका जो मैंने आपको पहला पार्ट था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ये दोस्तों अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो अपना टॉपिक है जीडीपी और जीबीए, ठीक है, इनके दोनों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के बारे में हम अंतर को भी पढ़ेंगे, और इकोनॉमी में कैसे एक देश के लिए जीडीपी महत्वपूर्ण होती है और कैसे एक देश के लिए जीबीए महत्वपूर्ण होता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड, अब हम टॉपिक अपना पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे जीडीपी और जीबीए।